नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पर। हम है एग्जामपुर, कलम से क्रांति। मैं संजीव राठौर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आप सभी के अपनी सपनों की क्लास में। आज 9 तारीख हो गई, अब आपके पास स्टेनोग्राफर की एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। अभी मैं फोकस कर रहा हूं केवल स्टेनोग्राफर वालों के लिए, क्योंकि बाकी एग्जाम्स जो भी है ना, जैसे फेज 9 आएगा या कोई और वैकेंसी आपकी अनाउंस होगी, उसके लिए अभी आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, कुछ अता पता भी नहीं है। तो अभी जो अपने सामने ये टारगेट है वो है स्टेनोग्राफर का। आज मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो एग्जाम्स में बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। तो पेश करते हैं आपके सामने आज का पहला सवाल। डायरेक्शन आपसे क्या कह रहा है कि आपको इडियम्स और फ्रेज बताने हैं जिसके मीनिंग बताएंगे आप। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या कह रहा है? सी वाज ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा एज सी हैड ईदर टू लीव हर जॉब और डाइवोर्स हर हस्बैंड। वो एक बहुत बड़ी असमंजस में थी, बहुत बड़ी कंफ्यूजन में थी कि वो अपनी जॉब छोड़े या हस्बैंड को डाइवोर्स दे। तो ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा, इसका मीनिंग आपको बताना है। ऑप्शन है इन नर्वस कंडीशन, इन टेरिबल मूड, इन डिफिकल्ट सिचुएशन या इन सस्पेंस। कौन सा वर्ड आपके लिए यहां पर सुटेबल रहेगा? और देखो इनको नोट करते रहिएगा, क्या करना, नोट करते रहना। अगर कोई वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो उसे नोट डाउन जरूर करिएगा। कुछ ए वाले भी हैं, लेकिन देखो नर्वस सिचुएशन का मतलब होता है कि जब उसके मन में बिल्कुल बिल्कुल उदास हो जाए, कुछ समझ ही ना आए करना क्या है। यहां पर वो कंफ्यूजन में, उसके पास दो ऑप्शन है, दो में से कोई एक काम उसको करना है, तो क्या हो जाएगा, वो मुसीबत में है। या तो उसे अपनी जॉब छोड़नी है या फिर पति जी का साथ छोड़ना है। तो आंसर क्या रहा, सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अ लाइव बायर। ऑप्शन है इंडस्ट्रियस एंड ब्रिलियंट, लाइवली एंड एक्टिव, सिंसियर एंड इंटेलिजेंट या सिंसियर एंड एफिशिएंट। कौन सा वर्ड यूज करेंगे? लाइव वायर आपका एक फ्रेज है और इसी का मीनिंग आपको बताना है। देखो लाइव वायर का मतलब होता है जो हमेशा एक्टिव रहे, जो हमेशा काम करने के लिए तैयार रहे। तो हम कह सकते हैं लाइवली एंड एक्टिव, जो हर समय काम करने के लिए कैसा रहे, पूरी तरह से तैयार रहे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कैपिटल पनिशमेंट। ऑप्शन है डेथ सेंटेंस, लाइफ इंप्रिजनमेंट, टू बी जेल्ड या इंप्रिजन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। कैपिटल पनिशमेंट का आपको बताना है कि इसका मीनिंग क्या होगा। कैपिटल पनिशमेंट का है किसी को मौत की सजा दे देना, डेथ सेंटेंस। क्या करना, किसी को मौत की सजा दे दी भाई। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है द यंग बॉय वाज किकिंग हिज हील्स इन स्पाइट ऑफ हिज मदर्स स्टर्न वार्निंग्स। तो किकिंग हिज हील्स, इसका मीनिंग बताना है। ऑप्शन है प्लेइंग हैप्पीली, किकिंग समवन, वेस्टिंग टाइम या पासिंग अ जेस्चर ऑफ डिसरिस्पेक्ट। सबको गुड मॉर्निंग, बस नोट करते जाओ। गुड मॉर्निंग बोलने के लिए वक्त आगे भी मिलेगा, लेकिन एक बार अगर एग्जाम में गलत कराए ना, उसे सही करने का मौका नहीं मिलता। किकिंग हिज हील्स, इसका मतलब होता है कि मान लो आपको कोई वार्निंग दी गई, कोई चेतावनी दी गई, उसके बावजूद भी आप गलतियां कर रहे हो, उसके बावजूद भी आप गलत काम कर रहे हो, तो हम कह सकते हैं वेस्टिंग टाइम या पासिंग अ जेस्चर ऑफ डिसरिस्पेक्ट। कौन सा वर्ड यूज करेंगे, टाइम वेस्ट करना। क्या कहेंगे, वार्निंग दी गई कि भाई आप बातें करेंगे तो आपका नुकसान होगा, आप अगर बातों में उलझे रहेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे, फिर भी आप उलझे हुए हैं बातों में, फिर भी आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। फातिमा फेल्ट दैट शी हैड बीन मेड अ स्केप गॉट फॉर हर सन्स इनकॉम्पिटेंस। तो स्केप गॉट का मीनिंग बताना है। ऑप्शन है फूल, विटनेस, फॉल गाय या प्रॉक्सी।
देखो स्केप गॉट का मतलब होता है बलि का बकरा बनाना, बलि का बकरा, तो हम कह सकते हैं फॉल गाय, बिटनेस नहीं, बिटनेस नहीं। नेक्स्ट, सी डिनाइड पॉइंट ब्लैंक हर इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम। हाँ, एक दो दिन में सर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, प्रिंस सर की, घर गए हुए हैं, सर का घर थोड़ा दूर है तो इसलिए स्टार्ट हो जाएगी। पॉइंट ब्लैंक का मीनिंग बताओ, डायरेक्टली, डिस, डेस्परेटली, स्टबर्नली या रूडली। पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है बिना सोचे समझे, डायरेक्ट रूप में जो मन में आया वो कह दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला कह रहा है यू हैड बेटर गेट अप नाउ और यू विल बी लेट फॉर स्कूल। अच्छा होगा कि आप उठ जाओ, नहीं तो आप स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। तो हैड बेटर, इसको रिप्लेस कर सकते हो क्या? यहां पर कोई किसी को सजेशन दे रहा है, कोई किसी को सलाह दे रहा है, और सजेशन और प्रपोजल के लिए, चाहे हम एडवाइस की बात करें, सजेशन की बात करें, प्रपोजल की बात करें, इनके लिए हमेशा हम शुड का प्रयोग करते हैं, और अगर शुड आएगा तो ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट, फीदर्स इन वन्स कैप डिस्क्रिमिनेशन, अ न्यू एंड एडिशनल डिस्टिंक्शन, हंटिंग या वर्ड वॉचिंग। शेयर कर लो, पता नहीं बच्चे कहां गए हैं, कहां रहने लगे हैं, क्या चलता है आपके मन में, हमने कहीं ज्यादा तो नहीं आपको पहले ही पढ़ा दिया है कि आपको एग्जाम टाइम पर पढ़ने की अब जरूरत नहीं महसूस होती है, पता नहीं क्या ही चलता है आपके दिमाग में। एक दिन क्लास ना हो तो हर जगह पर हंगामा होता है कि क्लास नहीं हुई, और क्लास होती है तो फिर आप गायब रहते हैं। फीडर्स इन वन स्टेप मतलब एक और उपलब्धि जोड़ना, एक और उपाधि अपने साथ जोड़ लेना, तो अ न्यू एंड एडिशनल डिस्टिंक्शन, कोई नई चीज अपने साथ जोड़ लेना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है गिव मी अ हैंड विद दिस लगेज। ऑप्शन है कीप अ वॉच ऑन, हैंडल, प्रोवाइड मी विद या हेल्प मी विद। गिव मी अ हैंड विद, दरअसल कभी हाथ पकड़ के किसी को सहारा दो तो उसे क्या कहेंगे, हेल्प कर दी किसी की, मदद कर दी किसी की, तो आंसर क्या हो जाएगा, हेल्प मी विद। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है डंकीज ईयर्स, इसका मीनिंग क्या होगा। ऑप्शन अ डिकेड, अ लॉन्ग टाइम, अ सेंचुरी या सिंस स्कूल डेज। डंकीज ईयर्स की अगर बात करें तो डंकीज ईयर्स का मतलब होता है एक लंबा समय, तो अ लॉन्ग टाइम आपका सुटेबल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, डायरेक्शन देखो, इन दिस क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड, अपोजिट आपको बताना है। ये रहा डोरमेंट, इसका अपोजिट क्या होगा। ऑप्शन है एक्यूट, एक्टिव, एबल और एब्लेज। देखो अगर हम डोरमेंट की बात करें तो इसका मतलब होता है जो इंसान आलसी होता है, लेजी के लिए इस वर्ड का यूज करते हैं। अब लेजी का अपोजिट चाहिए होता तो आप एक्टिव कर लेते। एक्यूट का मतलब होता है तेज, एबल का मतलब होता है योग्य, और एब्लेज का मतलब होता है किसी चीज को भड़काना या जलाना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है, सिविलर्स, इसका भी आपको एंटोनिम बताना है। ऑप्शन है गैलेंट, डेस्टर्डली, एमेरस और डेफिएंट।
चिवलरस का मतलब होता है जो इंसान बहुत वीर होता है, जो साहसी होता है, जो किसी भी काम को करने से डरता ना हो। तो अपोजिट हो जाएगा डरपोक। ठीक है, गैलेंट का मतलब भी होता है बहादुर, डिस्टार्डली का मतलब भी होता है बहादुर, एमिरस का मतलब भी होता है जो इंसान हथियार युक्त हो, बहादुरी दिखाता हो। तो ये तो सिनोनिम हो जाते हैं, बट हमें तो चाहिए था एंटोनिम। अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ प्रिमिड। ऑप्शन है फिट, एबल, अनरेडी और प्रिप्ड। देखो, अगर हम प्राइम की बात करें तो प्राइम का मतलब होता है जो इंसान पहले से ही तैयार बैठा हो। अपोजिट क्या हो जाएगा? अनरेडी, जो तैयार ही नहीं है। प्राइम बोले तो पूर्व में ही पहले से ही जो तैयारी करके बैठा हो, जो तैयार बैठा हो। तो अपोजिट हमें चाहिए, अपोजिट क्या हो जाएगा? अनरेडी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ प्लीफर। प्लीफरर है यार, स्नाइपर, पंक, लिफ्टर या पुलिस। कुछ होते हैं जो चोरी डकैती कर ले जाते हैं, तो वही प्लीफर है, डकैती करना, चोरी कर लेना, उठा ले जाना। पुलिस भैया ऐसा नहीं करती है। स्नाइपर भी वही होते हैं, छीना झपटी करने वाले। पंक भी वही है जो छीना झपटी करते हैं। लिफ्टर भी वही है जो किसी चीज को उठा ले जाए, भाई उठा ही ले आपको। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ एक्स्ट्रावेजेंस। ऑप्शन है एक्सपेंसिव, थ्रिफ्ट, चीप और एब्सर्ड। एक्स्ट्रावेजेंस का मतलब जो बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची हो, फालतू खर्चा करने वाला, या तो हम कहें इसके लिए फिजूल खर्ची, या फिर हम कहें इसके लिए जो फालतू खर्चा करता है। तो थ्रिफ्ट जो कम खर्चा करता हो, एक्सपेंसिव भी कहते हैं महंगा, चीप होता है घटिया या सस्ता, और एब्सर्ड का मीनिंग होता है भद्दा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? थ्रिफ्ट। अगला क्वेश्चन है कंकर। कंकर का भी आपको बताना है कि इसका एंटोनिम क्या है। ऑप्शन है डिस, एग्री, डिसअपीयर, डिसअरेंज और डिसकरेज। कंकर की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है जब हमारी किसी के साथ सहमति हो जाए, मतलब एग्रीमेंट हो जाए। तो डिसएग्री का मतलब होता है असहमति, मामला बना ही नहीं, बातचीत हुई नहीं। डिसअपीयर का मतलब होता है अदृश्य। डिसअरेंज की बात करें किसी चीज को अव्यवस्थित करना। डिसकरेज की बात करें किसी के साहस को गिराना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेनिरेशन। ऑप्शन है फियर, रिवरेंस, रिमोर्स और डिसरिस्पेक्ट। इसका भी आपको एंटोनिम देना है। वेनिरेशन वर्ड यूज करते हैं जब सम्मान के लिए देखते हैं, सम्मान, किसी का बहुत ज्यादा आदर सत्कार किया जाए। अपोजिट क्या हो जाएगा? डिसरिस्पेक्ट, किसी की बेइज्जती की जाए। रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा करना। ठीक है, रिवरेंस की बात करें बार बार किसी चीज की पुनरावृत्ति करना, और फियर का मतलब होता है डर। तो आंसर क्या हो जाएगा? डिसरिस्पेक्ट आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है वर्चुअस का एंटोनिम क्या होगा। ये शायद कल भी पूछा था हमने आपसे, आपकी क्लास में नहीं, किसी और क्लास में पूछा था। स्पीड देखो, 15 मिनट हुए हैं, 18 क्वेश्चन हो गए हैं, क्योंकि एग्जाम में इससे भी तेज स्पीड की जरूरत पड़ेगी आपको। तो जब हम स्पीड में प्रैक्टिस करेंगे, जब हम टाइम मैनेज करके प्रैक्टिस करेंगे, तभी तो हम उस चीज में माहिर हो पाएंगे। वर्चुअस का मतलब होता है जो इंसान गुणवान होता है, जिसके अंदर क्वालिटी होती है। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? वाइल्ड।
चेस्ट का मतलब होता है निचला स्तर का, निम्न स्तर का। कोशर का भी मतलब यही होता है, निम्न स्तर का। और सेलिबेट होता है जो अविवाहित हो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। अर्वन, अर्वन का भी आपको अपोजिट देना है। ये आई थिंक आज का सबसे आसान क्वेश्चन है। छठी पांचवी क्लास में अगर आपका कोई भाई भतीजा भी पढ़ता होगा ना, वो भी चलते फिरते इसका जवाब दे देगा। रस्टिक, रूरल, सिविल और फॉरेन। तो अर्बन की बात करें, अर्बन शहरी, रूरल क्या हो जाता है ग्रामीण, रस्टिक का मतलब होता है देहाती, सिविल सभ्य या सामाजिक, फॉरेन विदेशी। तो आंसर क्या रहेगा, रूरल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है इनक्रेडिबल। अभी भी एंटोनिम ही चल रहे हैं, इसका भी एंटोनिम ही बताना है। ऑप्शन है पॉसिबल, बिलीवेबल, इंजॉयबल और इमेजिनरी। तो इनक्रेडिबल का मतलब होता है भाई अतुलनीय, जिस पर विश्वास ना हो, जो ट्रस्ट करने लायक ना हो। ट्रस्ट करने लायक नहीं मतलब, कई बार ऐसी अचंभित करने वाली चीजें घट जाती हैं कि उन पर फिर ट्रस्ट नहीं होता है, उस सेंस में इसका यूज करते हैं। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, बिलीवेबल, जिस पर हम आसानी से ट्रस्ट कर सके, विश्वास कर सके। अगला देखो, अब डायरेक्शन देख लीजिए, डायरेक्शन अलग है। चेंज डायरेक्शन के साथ देखो, डायरेक्शन क्या कह रहा है, डायरेक्शन कह रहा है सिनोनिम्स बताने हैं आपको। क्या बताओगे आप, सिनोनिम्स बताओगे। पहला सिनोनिम इलास्टिक, इसका सिनोनिम क्या होगा, ऑप्शन है रबरी, फ्लेक्सिबल, एक्सपेंसिव और एक्साइटिंग। तो अगर इलास्टिक की बात करें, इलास्टिक का मतलब जो लचीला होता है, जो फ्लेक्सिबल हो। रबरी रबर का, एक्सपेंसिव होता है महंगा, और एक्साइटिंग का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ावा देना या उत्तेजित करना। तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल आपका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट, अगला सवाल क्या है, वेसिलेट, इसका भी आपको सिनोनिम बताना है। ऑप्शन है वेवर, नेवर, क्विवर, क्वीर। कभी किसी चीज में हलचल आ जाए, बहुत ज्यादा हलचल आ जाए, तो उसके लिए यूज करते हैं वेसिलेट। तो वेवर भी आपका वही है, हलचल वाला। नेवर जो चीज कभी होती ना हो, क्विवर कांपने वाला, और क्वीर का मतलब होता है अजनबी। आंसर आपका ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या रहा, वेवर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है इम्पीकेबल, इसका भी आपको बताना है कि सिनोनिम क्या होगा। ऑप्शन है परफेक्ट, फेयर, फॉल्टलेस और क्रिमिनल। अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है जो अपने आप में कंप्लीट हो, जो अपने आप में पूर्ण हो, जो अपने आप में परफेक्ट हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, परफेक्ट। फेयर जानते ही हो, साफ स्वच्छ, फॉल्टलेस, जो गलती ना करता हो, और क्रिमिनल का मतलब होता है अपराधी, जो कैसा हो, जो अपराधी प्रवृत्ति का हो, उसे हम कहते हैं क्रिमिनल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, इंपीडिमेंट। ऑप्शन है क्लियर, एलमेंट, इनकैपेबल और ऑब्स्ट्रक्शन। आप कोई काम कर रहे हो और आपके बीच में कोई रुकावट आ जाए, आपके बीच में कोई परेशानी आ जाए, तब इस वर्ड का यूज करते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, रुकावट, या हम कह सकते हैं टांग अड़ाना, परेशान करना। बाकी वर्ड देखें, क्लियर, एलमेंट, इनकैपेबल, तीनों ही वर्ड आसान है। क्लियर जानते ही, स्पष्ट। एलमेंट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, और इनकैपेबल की बात करें जो किसी काम को करने में अयोग्य हो, असमर्थ हो। एडवांस, इसका भी आपको सिनोनिम बताना है। ऑप्शन है रिड्यूस, हाल्ट, प्रोग्रेस और एक्सटेंड। एडवांस का मतलब होता है जो तरक्की कर रहा हो, जो ज्यादा हो मेरे पास, तो क्या हो जाएगा, प्रोग्रेस। नेक्स्ट,
डिनाई, आज का सबसे आसान क्वेश्चन। एक और इससे पहले आसान क्वेश्चन अर्बन अर्बन और रूरल वाला आया था, उसके बाद ये सबसे आसान क्वेश्चन है। डिनाई की बात करें तो डिनाई का मतलब होता है मना करना, वही हो जाएगा रिफ्यूज का भी। रिफ्यूज का मतलब भी होता है मना करना, और डिनाई का मीनिंग भी क्या होता है, मना करना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन अब्यूज, इसका भी आपको सिनोनिम बताना है। ऑप्शन है यूज, प्रेज, स्कॉर्न और रेज। अब्यूज मतलब कोई मिल जाए आपको बस गाली देने के लिए। स्कॉर्न का मतलब भी क्या होता है, गाली देना। प्रेज भाई उसका एंटोनिम हो जाता। रेज का मतलब उठाना और यूज का मतलब प्रयोग करना। नेक्स्ट, डोसाइल, इसका भी आपको सिनोनिम बताना है। ऑप्शन है सबमिसिव, स्टबर्न, स्ट्रॉन्ग और चेंजेबल। कमेंट ना किया करो, चीजों को नोट करते रहा करो। डसाइल का मतलब होता है जो इंसान बहुत विनम्र होता है, ठीक है। तो इसका अगर हम सिनोनिम की बात करें तो इसका सिनोनिम सबमिसिव कर लें। सबमिसिव भी जो इंसान बहुत विनम्र प्रवृत्ति का होता है, कूल काम। स्टबर्न हो जाएगा जिद्दी, स्ट्रांग मजबूत, और चेंजेबल का मतलब होता है बदलना, जब हम किसी चीज को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगला है कंसिडरेट। ऑप्शन है एग्रीएबल, काइंड, लाइक माइंडेड और थॉटफुल। तो कंसिडरेट का मतलब होता है जो सोच विचार करने योग्य हो। कैसा हो, सोच विचार करने हो, तो थॉटफुल कह सकते हैं। एग्रीएबल जिस चीज में सहमति हो, काइंड दयालु कह सकते हैं, लाइक माइंडेड किसी के जैसा कह सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, थॉटफुल। अगला क्वेश्चन है नर्चर, सिनोनिम बताना है। ऑप्शन है इंक्रीज, ग्रो, सी और मेंटेन। नर्चर बोले तो किसी के साहस को बढ़ाना, किसी की हिम्मत को बढ़ाना, किसी की ताकत को बढ़ाना, तो क्या हो जाएगा, इंक्रेज, साहस बढ़ाना, किसी की हिम्मत को बढ़ाना, ठीक है। ग्रो नहीं, सी नहीं, मेंटेन नहीं, तो आंसर आपका इंक्रेज रहेगा। नेक्स्ट, आपके सामने है, इन दीज क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स सेंटेंस। मतलब आपके सामने है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो देखते हैं पहला वर्ड क्या है। द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल, किसी चीज की जो हाइट है वो समुद्र तल से भी ऊपर हो, उसे क्या बोलोगे, एल्टीट्यूड, सर्टिट्यूड, लेटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड। ज्योग्राफिकल वर्ड है सारे ये, जो सारे शब्द आपके हैं ये ज्योग्राफी के शब्द हैं। और वो कहलाता है अल्टीट्यूड। बाकी वर्ड मीनिंग आप लोग बता दो, ज्योग्राफी हम तो अब नहीं पढ़ते हैं, आप जरूर पढ़ते होंगे विनीत सर की क्लास में या आरुषि मैम की क्लास में, तो आप लोग जरा इनके मीनिंग बता दीजिए भाई, आपका ज्योग्राफी का भी टेस्ट ले लें, ताकि हम फिर परसों आप लोगों की शिकायत कर सकें। परसों 11 तारीख है ना, तो परसों ऑफिस पहुंच जाएंगे हम। देखो भाई निकालो इसका जवाब, दुख दर्द से बाहर ही नहीं निकल पाते हो। टू मेक समवन एनिक्सियस और अनसेटल्ड, किसी को चिंतित कर देना। पेस्टर, परटर्ब, वग या रफल, किसी को बेचैन या चिंतित कर देना।
क्या कह सकते हैं, या तो हम कह दें किसी को बेचैन कर देना, या फिर हम कह दें किसी को चिंतित कर देना, बहुत ज्यादा कोई चिंतित हो जाए, तो उसके लिए यूज करते हैं पर्टर्ब। आगे क्या कह रहा है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो ये परिभाषा तो किसने, अब्राहम लिंकन ने दी थी, लोकतंत्र की परिभाषा क्या थी, डेमोक्रेसी की परिभाषा क्या दी थी, उसी डेमोक्रेसी की परिभाषा को आगे बढ़ाना है आपको। वो होती है ये रही डेमोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी है जिसमें वही जो चीजें चल रही हैं चलने दो। एरिस्टोक्रेसी जब अराजक तत्व आ जाए, जब गलत लोग सरकार को चलाने लग जाए, वो हो जाता है एरिस्टोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी जब धनवान लोग सरकार को चलाने लगे, अमीर लोग सरकार को चलाने लगे, उसे कहते हैं प्लूटोक्रेसी। अब प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर, एक ऐसा इंसान जो बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर हो। ऑप्शन है क्यूरेटर, ऑरेटर, नरेटर और आर्बिट्रेटर। उसे कहते हैं ऑरेटर। क्यूरेटर एक तो पिच वाला होता है, पिच की देखभाल करता। नरेटर क्या होता है, किसी चीज का वर्णन करना, व्याख्यान देना। और आर्बिट्रेटर होता है जो बीच में आके, दो पक्षों के बीच में आकर के बातचीत करे, उसे कहते हैं आर्बिट्रेटर। बट यहां पर हमारे कोई आंसर तो बन नहीं रहे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑरेटर इज आवर आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अ सैडी प्लेस अंडर ट्रीज, डेबोनेर, बोवर, गवर्नमेंट या फगेटिव। फगेटिव याद रखना, फगेटिव का मतलब होता है भगोड़ा। जब कोई किसी के पैसे लेकर या फिर किसी के अधिकारों का हनन करके भाग जाए, उस सेंस में यूज करते हैं फगेटिव। अ सैडी प्लेस अंडर ट्रीज मतलब पेड़ों के नीचे की जो छायादार जगह होती है ना, उसे कहते हैं बोवर। डेबोनेर का मतलब होता है जहां पर बढ़िया से फूल वूल खिले हों, जहां पर, जहां की जो वातावरण हो ना, वो एनवायरनमेंट एकदम से आपको कैसा लग रहा हो, एनवायरनमेंट आपको एकदम हरा भरा सा लग रहा हो। गवर्नमेंट भी वही कहलाता है, हरा भरा जो वातावरण होता है, जैसे कि अपना बोर्ड देख रहा है। फिट टू बी ईटन, खाने के लिए जो चीज योग्य हो, सही हो, उसे क्या कहेंगे, लेजिबल, क्रेडिबल, ऑडिबल या एडिबल। फिट टू बी ईटन, जो खाने योग्य हो, जो आप आसानी से खा सकें या खाने के लिए उपयुक्त हो, उसे कहते हैं एडिबल। लेजिबल योग्य, क्रेडिबल जिस पर हम विश्वास कर सकें, और ऑडिबल जिसको हम सुन सकें। ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल, आक्रमण करने के लिए और झगड़ा करने के लिए हमेशा तैयार रहे। क्रिएटिव, इंपेशेंस, अग्रेसिव या मलेशियस। इसे कहते हैं अग्रेसिव, जो हमेशा झगड़ा करने के लिए तैयार रहे, जो झगड़ालू टाइप का हो। क्रिएटिव जानते ही हो, जो किसी चीज का निर्माण करता हो। इम्पेशेंस का मतलब होता है जिसके अंदर धैर्य ना हो, तुनक मिजाज टाइप का हो। मेलिशियस का मतलब होता है जो एकदम चुपचाप रहे, कोई मतलब नहीं उसको। तो आंसर क्या रहेगा, क्योंकि कह रहा है जो हमेशा आक्रमण करने और झगड़ने के लिए तैयार बैठा हो। एक बार और चाचा लोग शेयर कर लो, पता नहीं बच्चों को कौन सा ग्रहण लगा हुआ है और कौन सी चीज उनके दिमाग में बैठी हुई है, उनको लगता है बिना पढ़े भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। एक आध दिन अगर क्लास नहीं होती है तो फिर बड़े बड़े हंगामे होते हैं, और क्लास होती है तो पता नहीं कहां गायब रहते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है,
फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच क्या यूज करेंगे इसके लिए? जो अपने शब्दों को तेजी से बोल सके और स्पीच में बिल्कुल क्लियर हो उसे कहते हैं आर्टिकुलेट। इमोशनल भावनात्मक नहीं, एंथुजियास्टिक जो जुनूनी होता है वो नहीं, कॉन्फिडेंट जो विश्वास में रहता है वो भी नहीं, तो आंसर क्या रहेगा? आर्टिकुलेट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है? स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के जब हम किसी बात को रखते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? वर्बोस, एक्सटेम्पोर, एमेच्योर या वर्बेटिम? बिना तैयारी के बोलना तो उसे कहते हैं एक्सटेम्पोर। पहुंच गए बिना तैयारी के बोलने के लिए, फिर पता नहीं क्या अनाप शनाप बोल डाला, किसी को कुछ नहीं पता। नेक्स्ट, वन हु गेन्स बेनिफिट फ्रॉम समथिंग, जब कोई इंसान किसी दूसरी चीज से फायदा उठाए, बेनिफिट मिले उसे, तो बेनिफेक्टर, माइजर, हर्मिट या बेनिफिशियरी, कौन सा वर्ड यूज करेंगे? वो कहलाता है बेनिफिशियरी, जब हमें किसी और से कोई लाभ मिलता है। माइजर तो कंजूस होता है, हर्मिट तो हम कहते हैं संत महात्मा को, बेनिफेक्टर होता है जो लाभ प्राप्त करता है, जब किसी दूसरे से किसी को लाभ मिलता है उसके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं, बेनिफिशियरी। ठीक है, नेक्स्ट, अगला है, इन दिस क्वेश्चन फोर वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वन इज करेक्टली स्पेल्ड, आपको सही स्पेलिंग पता करनी है। चार ऑप्शन दिए जाएंगे, चार में तीन गलत होंगी एक सही होगी, वो सही वाली आपको पता लगानी है। लो भाई, एवरेंस, नेसेटिंग, मेडिटेशन और डेलिबरेट, इनमें सही कौन सी है? तो इसमें नेसेटिंग भी गलत है, मेडिटेशन में एम ए नहीं होता है और डेलिबरेट भी गलत है, सही एबिरेंस भी दिख रही है। सही तो पता लगानी थी ना, हाँ सही पता लगानी थी, तो बस यही सही है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, एंटीसीडेंट की कौन सी स्पेलिंग सही है? तो एंटीसीडेंट की जो सही स्पेलिंग है वो है एन टी ए एन टी ई सी ई डी एन टी, जिसका मतलब होता है पूर्व, पहले का,
क्यूरियोसिटी की कौन सी स्पेलिंग सही है? जिसका मतलब होता है जिज्ञासा, जागरूकता। तो क्यूरियोसिटी के लिए CURIOSITY, ये क्यूरियोसिटी की सही है। नेक्स्ट, एंसेस्ट्रल, एंसेस्ट्रल की कौन सी स्पेलिंग ठीक है? एंसेस्ट्रल का अगर हम देखें तो ANCESTRAL, जिसका मतलब होता है पूर्वज से संबंधित, हमारे जो पुरखे हैं, पूर्वज हैं, उनसे संबंधित, ये होता है एंसेस्ट्रल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है सिमेट्री, सिमेट्री की सही स्पेलिंग कौन सी है? सिमेट्री की स्पेलिंग CEMETERY, शमशान घाट। नेक्स्ट, अब एरर डिटेक्शन के आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, अगर कोई एरर मिल रही है तो बता दीजिएगा, नहीं मिल रही है तो फिर वो नो एरर वाला हो जाएगा। देखो, द टीचर प्रिवेंटेड द बॉयज टू गो देयर, ये अच्छा क्वेश्चन है। कल किसी क्लास में हमने प्रिवेंट के साथ प्रपोजिशन बताई थी, और उसी से रिलेटेड है भाई ये। देखो, प्रिवेंट के साथ एक फिक्स प्रपोजिशन आती है फ्रॉम, और जब फ्रॉम आ जाएगा तो प्रपोजिशन के बाद हम जेरंड का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रिवेंटेड द बॉयज टू गो देयर, नहीं, फ्रॉम गोइंग देयर हो जाएगा, फ्रॉम गोइंग देयर। भाई प्रिवेंट के साथ फिक्स प्रपोजिशन आती है फ्रॉम, जब हम फ्रॉम का यूज करेंगे तो वो क्या आ गया, वो आपकी हो गई एक प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद हम किसका यूज करते हैं, प्रपोजिशन के बाद हम यूज करते हैं जेरंड का, तो गोइंग आ जाएगा। नेक्स्ट, एट हिज रिटर्न वी आस्क्ड हिम मेनी क्वेश्चंस, उसके वापसी पर हमने उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। देखो, एट हिज रिटर्न नहीं होता, ऑन हिज रिटर्न, ये फिक्स वर्ड है, उसके लौटने पर हमने उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। नेक्स्ट, द बुक बीइंग रिटन इन सिंपल लैंग्वेज इज सुटेबल फॉर चिल्ड्रन एज इट कंटेन्स मेनी गुड एडवाइसेस, कौन से नाउन का प्लूरल बनता है, कौन से नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। दरअसल एडवाइस का प्लूरल नहीं बनता, मैनी भी नहीं आएगा, तो हम ये कर सकते हैं अ लॉट ऑफ गुड एडवाइस,
क्योंकि भाई एडवाइस का प्लूरल तो हम बनाएंगे नहीं, गलत हो जाएगा, तो क्या रहेगा, अ लॉट ऑफ गुड एडवाइस सही रहेगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, व्हेन आनंद रीच द प्लेस ही फाउंड दैट रिपोर्ट्स अबाउट हिम प्रीसीडेड हिम। मुझे तो ठीक लग रहा है ये पूरी तरह से, हमें तो इसमें गलती कोई नजर नहीं आ रही, आप लोग देख लो एक बार। हाँ, अगर टेंस जैसी कोई गलती रख देते तो हम कह सकते थे कुछ गलत है, बट हमें तो इसमें ऐसा कुछ गलत नजर नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट, आर सक्सेस और आर फेलियर लार्जली डिपेंड अपॉन आर एक्शंस। हम सफल होंगे या असफल, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमारे एक्शंस पर, हमारे क्रियाकलापों पर। दरअसल और के साथ में जब दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, और अगर सिंगुलर वर्ब आएगी तो डिपेंड नहीं, फिर क्या होना चाहिए, डिपेंड्स होना चाहिए, क्योंकि डिपेंड तो प्लूरल है, हमें चाहिए सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब आएगी तो क्या हो जाएगी, डिपेंड्स हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए, तो फिर थोड़ा पढ़ाई का मूड भी बना लिया करो, ठीक है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि अब वो लोग हैं जो सच में पढ़ना चाहते हैं, ये अच्छा लगता है। चलिए फिर मुलाकात करेंगे आपसे कल की क्लास में, कल का टॉपिक बता दो, कल क्या पढ़ना पसंद करोगे, हमने कुछ कॉन्सेप्ट आपके लिए तैयार किए हैं, आपके प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर कुछ कॉन्सेप्ट इकट्ठे किए हैं, तो वो कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन पढ़ा दिए जाए कल, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन पढ़ा दिए जाए फिर कल। वो कैप के तो आज ही कराए हैं भाई, 45 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन करा दिए, प्रेपोजिशन करा देंगे, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा फिर बताएंगे, ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।